जय बद्री विशाल। आज की वीडियो बहुत खास है। आज की वीडियो में आप सबको ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के बीच में जितने भी खूबसूरत शहर पड़ा हुआ है और कहां कहां पर पेट्रोल पंप की व्यवस्था की है उसकी झलक देखने को मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं ISBT ऋषिकेश से। अभी आपको जो वीडियो में दिखाया जा रहा है ये ऋषिकेश बस स्टेशन है जो पड़ता है आदर्श ग्राम एरिया में। यहाँ आपको दो बस स्टेशन देखने को मिलेंगे। जो पहला वाला है वहाँ से आपको पहाड़ी एरियाज के लिए गाड़ियाँ मिलेंगी और उसके बगल में ही जो दूसरा वाला है वहाँ से आपको प्लेन्स एरियाज के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम आपका 294 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 10 घंटे 14 मिनट का समय लग जाता है पहुँचने में। जब आप लोग अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे और जर्नी को कंटिन्यू करेंगे तो जो सबसे पहला पड़ाव आपको देखने को मिलेगा वह है इंद्रमणि बड़ौनी चौक, जिसको पहले नटराज चौक से भी जाना जाता था। ये डायवर्जन पॉइंट है दोस्तों। यहाँ से एक रोड चले जाती है आपकी देहरादून के लिए, एक चले जाती है हरिद्वार प्लेन्स एरिया के लिए, तीसरी रोड जाती है आपकी ऋषिकेश मेन बाजार एरिया के लिए और जो चौथी रोड जाती है वो जाती है आपकी पहाड़ों के लिए, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री धाम के लिए। उसी के बाद जब आप लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये जगह आएगी, ये डायवर्जन पॉइंट है। यहाँ पर माँ काली का मंदिर है, प्राचीन पौराणिक मंदिर है। यहाँ से क्या होता है, जो ऊपर की तरफ जो रोड देख रहे हैं आप, जो सीधे जा रही है वो जा रही है गंगोत्री यमुनोत्री के लिए, चंबा होते हुए नरेंद्र नगर, चंबा, चिनालीसौड़, उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री और धरासू बैंड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है गंगोत्री यमुनोत्री धाम के लिए, राइट हैंड साइड पे जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के लिए। इसी वाले पे जाएंगे आप लोग और यहीं नीचे पे फिर एक चौक आता है, वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को मुड़ना है और एक रास्ता चले जाता है आपका बीज बाजार के लिए, ऋषिकेश बीज बाजार मार्केट एरिया के लिए, गंगा नदी के किनारे के। ऋषिकेश में तो आप सब जानते हैं कि बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं, तो आप लोग कहीं भी रिफिल कर लीजिए। जब आप लोग आगे के लिए जर्नी को कंटिन्यू करेंगे तो जो नेक्स्ट पेट्रोल पंप आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा शिवपुरी के पास, जो मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये आपका नेक्स्ट पेट्रोल पंप मिलता है जब आप पहाड़ों के लिए सफर करते हैं और सबसे पहला है ये। इसके बाद आपका फिर सीधे देवप्रयाग में है, तो आप लोग यहाँ पर रिफिल करा लीजिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे होंगे तो आपको इस वाले एरिया के खास तौर पर ऊपर और नीचे के साइड दुकानें लगाई रहती हैं पहाड़ी लोगों ने, पहाड़ी एरियाज के जो पीपल हैं वो, उन्होंने जो सीजनल दालें होती हैं आपकी गैत, मसूर, उड़द इत्यादि और भी कई चीज़ों के पैकेट बनाए रहते हैं और सस्ते दामों पर आपको ताज़ा दालें और सामग्री भी मिल जाएगी। तो आपको मौका मिलता है तो गाड़ी रोक कर इनसे लीजिएगा आप लोग। सफर को जारी रखते हुए हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मैसेजेस आए थे आप सबके कि देवप्रयाग की वीडियो देखनी है। पेट्रोल पंप के बगल में ही आपको अगर टायर में हवा भरानी है, ट्यूब वाली या ट्यूबलेस टायर आपका खराब हो जाता है वो बदलना है, तो यहाँ पर शॉप अवेलेबल है देखने को मिली हमको। और उसके बगल में ही रोड के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके अच्छे खासे रेस्टोरेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेट्रोल पंप की। तो यहाँ से ही अप्रोक्सीमेट 3 से 4 किलोमीटर आगे की तरफ देवप्रयाग बाजार से पहले पहले रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे HP का पेट्रोल पंप हमें देखने को मिला, जो कि मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो आप इसकी सर्विस भी आपको अवेलेबल है। तो दोस्तों हम ग्राम भगवान पहुँच चुके हैं। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये ग्राम भगवान है, बहुत ही खूबसूरत बाजार है। मलेता कीर्तनगर को क्रॉस करने के बाद जब आप लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे तो आप लोग पहुंचेंगे श्रीनगर गढ़वाल। श्रीनगर गढ़वाल बहुत बड़ा बाजार है दोस्तों। एक पेट्रोल पंप तो आपको बीज बाजार में देखने को मिलेगा, जो मैं आपको अभी पिक में दिखा रहा हूँ फोटो में, और जो दूसरा और तीसरा पेट्रोल पंप है वो आपको श्रीनगर गढ़वाल से थोड़ा आगे श्रीकोट आता है ना आपका, तो श्रीकोट में रोड के राइट हैंड साइड पे और एक आपका मेडिकल का जो आपका कॉलेज है उसके मेन गेट के आगे लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके जस्ट अपोजिट साइड पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से फिर हम लोग जा रहे हैं रुद्रप्रयाग की तरफ। तो अगर आप चार धाम यात्रा कर रहे हो
या अगर आप इस वाले रोड से सफ़र कर रहे हो तो आपको जो मैं अभी फिंगर से इंडिकेट कर रहा हूँ, आप यहाँ से अपने ऊपर वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है तो बद्रीनाथ केदारनाथ वाला है, पर जो मैं नीचे से फिंगर से इंडिकेट कर रहा हूँ ये माँ तारी देवी मंदिर को जाता है। तो आपने अपनी प्राइवेट व्हीकल से डायरेक्टली मंदिर तक गाड़ी जाने की व्यवस्था अवेलेबल है। दोस्तों अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं माँ तारी देवी मंदिर का मेन गेट है, आप यहाँ से पैदल यात्रा करते हुए भी माता के दर्शन करने के लिए मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अभी आपको जो वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पे बाजार है धारी देवी मंदिर के लिए, आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं बाजार से और माता के दर्शन जरूर करिएगा। माँ धारी देवी के बाद जब आप लोग आगे के लिए बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा रुद्रप्रयाग, पंचप्रयाग में से एक है, बहुत ही खूबसूरत धार्मिक स्थल है। यहाँ आपको रुद्रप्रयाग से पहले पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा और रुद्रप्रयाग बीच बाजार को क्रॉस करने के बाद आगे भी पेट्रोल पंप में देखने को मिलेगा। अभी आपको जो वीडियो में दिखा रहा हूँ ये बद्रीनाथ धाम को जब जाएंगे ना रुद्रप्रयाग से, वहाँ पे पेट्रोल पंप है, आप लोग रिफिल कर लीजिएगा। फिर हम रुद्रप्रयाग से लमेरी, और लमेरी के बाद आता है आपका सुमेरपुर। तो सुमेरपुर आपका प्लेटफॉर्म बन रहा है, रेलवे का स्टेशन है, तो वहीं पर आपको पेट्रोल पंप की व्यवस्था भी की गई है रोड के लेफ्ट हैंड साइड पर। उसके बाद हम जाएंगे आपका गौचर के लिए। जब हम गौचर से आगे बढ़ते हैं बंदेरखंड से भी आगे तो ये वाली जगह पड़ती है झिरकोटी, पेट्रोल पंप है यहाँ पे, आपको ये वाली जगह देखने को मिल जाएगी जब आप लोग यात्रा करेंगे। हम जा रहे हैं कंडा वो मिलेगा नंद प्रयाग में। अभी तक हमने देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग होते हुए हम पहुँच चुके हैं नंद प्रयाग। चमोली बाजार, चमोली बाजार डायवर्जन पॉइंट है, यहाँ से एक रोड चले जाती है आपकी गोपेश्वर को, गोपेश्वर जो कि प्रसिद्ध है अपने गोपीनाथ मंदिर के लिए, वहाँ पर कुंड भी है। और गोपेश्वर चमोली से पड़ता है आपका 10 किलोमीटर के अप्रॉक्स, और 23 से 30 मिनट का समय लग जाता है पहुँचने में। आप लोग गोपेश्वर से अनसुया देवी मंदिर, रुद्रनाथ मंदिर, तुंगनाथ महादेव मंदिर और केदारनाथ धाम के लिए भी जा सकते हैं, पर हम जा रहे हैं बद्रीनाथ वाले रूट पे। तो जो बद्रीनाथ वाला रूट है वो जब हम उस वाले रूट पे आगे की तरफ बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट पड़ाव हमें देखने को मिलेगा वो है जोशीमठ। दोस्तों ये चमोली बाजार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो केदारनाथ से डायरेक्ट रास्ता नहीं आता आपका बद्रीनाथ धाम के लिए, जो आपका उखी मठ देवरियाताल वाला जो रूट है, चोपता वाला रूट है, वहाँ से होते हुए जो आता है गोपेश्वर को, वो गोपेश्वर पहुँचेंगे ना जब आप लोग, तो गोपेश्वर से फिर चमोली होके आप यहाँ से जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ धाम को जा सकते हैं। तो इसलिए ये वाला रूट इम्पोर्टेंट भी है, वरना अगर आप लोग ऋषिकेश से आ रहे हैं तो आप इसी वाले रूट से होते हुए आएंगे, पर अगर आप लोग ऋषिकेश से पहले केदारनाथ गए और केदारनाथ से फिर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो आप गोपेश्वर वाला रूट भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो जगहें आती हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि आपका भीमताला हो गया, फिर उसके बाद आप आगे जाएंगे खैनूरी हो गया, बहोला हो गया, दसवा, तरतोली, बतूला, फिर आपका पीपल कोटी आता है, वहाँ आपको पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा, फिर आपका चंदौली चाखट, गुडाला, पाखी, लंगसी, फिर आपका हेलांग आता है थोड़ा आगे पे जाके। तो ये सारी जगहें आपको जब आप लोग ट्रैवलिंग करेंगे तो ट्रैवलिंग के दौरान आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हम जा रहे हैं बद्रीनाथ वाले रूट पे, तो चमोली बाजार से जो सीधा बद्रीनाथ वाला रूट है जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट पड़ाव हमें देखने को मिलेगा वो है जोशीमठ। जोशीमठ यहाँ से 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 1 घंटा 51 मिनट का समय लग जाता है पहुँचने में। जोशीमठ आपका प्रसिद्ध है वासुदेव मंदिर के लिए, यहाँ से आप सतोपंत लेक, वैली ऑफ फ्लावर, कौरी पास भी जा सकते हैं। जोशीमठ भी आपका डायवर्जन पॉइंट है, एक रूट आपका चले जाता है औली के लिए, दूसरा रूट चले जाता है आपका तपोवन वैली के लिए,
और तीसरा जो रूट है वो चले जाता है आपका बद्रीनाथ धाम के लिए। तो जो बद्रीनाथ वाला रूट है उस पर जब आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो जो नेक्स्ट पड़ाव आपको देखने को मिलेगा वो है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जोशीमठ से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 33 से 35 मिनट का समय लग जाता है पहुंचने में। जोशीमठ से पहले पहले आपकी चढ़ाई जो शुरू होती है, फिर आपका ढलानी एरिया आपको देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद आपका समतल हो जाती है रोड, और फिर आगे जाके आपकी फिर चढ़ाई देखने को मिलती है। तो जब आप लोग विष्णु प्रयाग पहुंच जाएंगे तो विष्णु प्रयाग आपका पंच प्रयाग में से एक है और यहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा का संगम स्थल है। 32 किलोमीटर दूर है यहाँ से बद्रीनाथ धाम आगे की तरफ और 1 घंटा 25 मिनट का समय लग जाता है। यहाँ से आप गोविंद घाट हो गया, पंडुकेश्वर हो गया और बद्रीनाथ धाम को जा सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको देवप्रयाग हो गया आपका, फिर देवप्रयाग से आगे आपका रुद्रप्रयाग आया, रुद्रप्रयाग से आगे कर्णप्रयाग आया, कर्णप्रयाग से आपका नंदप्रयाग आया, और फिर हम पहुंच चुके हैं विष्णु प्रयाग। ये पूरी आपकी बद्रीनाथ घाटी है और आप लोग जितनी भी जगहें देख रहे हैं ये सारी आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। तो दोस्तों विष्णु प्रयाग से जब आप लोग आगे की तरफ ट्रैवलिंग करेंगे तो जो नेक्स्ट जगह आपको देखने को मिलेगी, जो नेक्स्ट पड़ाव आपको देखने को मिलेगा वह है पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर आपका जोशीमठ से 20 किलोमीटर के अप्रोक्स दूरी पर आगे की तरफ स्थित है और वहां से बद्रीनाथ धाम आपका 22.5 किलोमीटर और आगे की तरफ स्थित है। बीच में ये जगह पड़ती है जोशीमठ और बद्रीनाथ धाम के। योग ध्यान बद्री टेम्पल है यहाँ पर, जो कि एक है सप्तबद्री में से, और यहाँ पर भगवान वासुदेव का भी मंदिर है। बद्रीनाथ गेस्ट हाउस यहाँ से 22.5 किलोमीटर की दूरी पर आगे की तरफ स्थित है और 34 से 40 मिनट का समय लग जाता है पहुंचने में। तो दोस्तों जब आप लोग पांडुकेश्वर को क्रॉस कर देंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट पड़ाव आपको देखने को मिलेगा वो है लामबगड़। लामबगड़ पांडुकेश्वर से 4 किलोमीटर के अप्रोक्स दूरी पर आगे की तरफ स्थित है। लामबगड़ उन लैंडस्लाइडिंग जोन एरियाज में से एक है जहां पर चारधाम यात्रा के दौरान जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और कई बार तो यहाँ पर रोड ब्लॉक भी हो जाती है। यहाँ पर भी ट्रीटमेंट का कार्य चल ही रहा है। यह पूरी आपकी बद्रीनाथ घाटी है। अलकनंदा नदी के किनारे किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग आगे की तरफ बढ़ता है और लामबगड़ से बद्रीनाथ धाम आपका 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 44 से 50 मिनट का समय लग जाता है पहुंचने में। दोस्तों आप लोगों को तो पता है कि बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम बहुत ही ज्यादा हाइट पे स्थित है, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैवी स्नोफॉल होता है। तो ट्रैवलिंग के दौरान आपको राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर की तरफ जो पीक है वहां आपको हैवी स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। बहुत ही अच्छा लगेगा, आप सबको शांति का अनुभव होगा। तो दोस्तों जब आप लोग आगे के लिए कंटिन्यू करोगे तो जो नेक्स्ट पड़ाव और जगह आपको देखने को मिलेगी वो है हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी में बजरंगबली जी का, हनुमान जी का प्राचीन पौराणिक मंदिर है। यह जगह जोशीमठ से 34 किलोमीटर आगे और बद्रीनाथ धाम यहाँ से 12 किलोमीटर के अप्रोक्स दूरी पर आगे की तरफ स्थित है। जो लोग बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के लिए जाते हैं वह है इस मंदिर में रुक कर बजरंगबली के दर्शन करते ही करते हैं। सर्दियों के टाइम पर ये जितनी भी जगह आप लोग वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों ये बर्फ से ढक जाती हैं और धाम आपका 6 महीने के लिए क्लोज हो जाते हैं, कपाट बंद हो जाते हैं, और फिर आपका मई में कपाट श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए, दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। तो दोस्तों जब आप लोग लामबगड़ को क्रॉस कर देंगे और बद्रीनाथ धाम को जर्नी को कंटिन्यू करेंगे तो आपको रास्ते में प्राकृतिक सौंदर्य और खूबसूरत वादियों के नजारे देखने को मिलेंगे। आप लोग कुछ टाइम पर यहाँ पर रुक के नेचर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है दोस्तों। हर साल गर्मियां शुरू होने से पहले पहले कपाट खुल जाते हैं और सर्दियों में फिर कपाट बंद हो जाते हैं। तो इस साल लामबगड़ के बाद आपका हनुमान चट्टी से थोड़ा आगे पे चढ़ाई शुरू हो जाती है, फिर ऊपर जाके खत्म हो जाती है, फिर रोड आपकी समतल हो जाती है। तो जब आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे तो आपको खुशी का आनंद हो। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद आप लोग वहां के नियर बाय प्लेसेस में भी विजिट कर सकते हैं, जैसे कि माणा विलेज हो गया आपका, उसी के आगे आपका भीमपुल पड़ता है, सरस्वती नदी आपको देखने को मिलेगी, तप्त कुंड, आगे जाके नीलकंठ पीक, अलकापुरी, माता मूर्ति मंदिर, उसी के आगे जाके आपका वसुधरा फॉल, व्यास गुफा, बर्म कपाल, गणेश गुफा आपको देखने को मिलेगी। आते समय आप लोग वैली ऑफ फ्लावर भी जा सकते हैं। दोस्तों कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आप सबके लिए चार धाम से रिलेटेड कंटेंट लेके आता रहूं।
आप लोग यात्रा पे आएंगे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।